आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंस्टाग्राम आईडी दो चलाते हैं एक ही फ़ोन में, या फिर आप फेसबुक आईडी दो चलाते हैं या फिर तीन चलाते हैं, पर आज की इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं व्हाट्सएप को आखिर हम एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप किस तरीके से चला सकते हैं अलग अलग नंबरों से एक ही मोबाइल में, ठीक है, और एक ही एप्लीकेशन में। आपको कोई भी अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो किस तरीके से चलाना है आज की इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं। आज के दौर में व्हाट्सएप तो सभी यूज करते ही होंगे। जो इस मोबाइल की स्क्रीन है आपको यहाँ पर बराबर में शो हो रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर, चलिए, अभी आपने जो व्हाट्सएप है वो तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो चलिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च बार में लिख देता हूँ प्ले स्टोर, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है, और ये देख सकते हैं ये अपडेट मांग रहा है, तो चलिए मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। आप भी देख लीजिएगा, अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो आप भी इसे अपडेट कर लीजिएगा। तो इसी एप्लीकेशन में आप दो नंबरों से व्हाट्सएप चला सकते हैं। वो किस तरीके से चलाएंगे, शायद ही अभी तक किसी ने यूट्यूब पर बताया होगा, तो चलिए नहीं बताया है तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये देखते ही देखते हमारा यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है व्हाट्सएप, और उसके बाद में हम इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दें। इसी के साथ में आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट है मेरी shankarblog.com, ठीक है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ पर भी आप अर्निंग से रिलेटेड इसी के साथ में नई नई तकनीकियाँ जान सकते हैं आर्टिकल को पढ़कर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ व्हाट्सएप इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। किस तरीके से आप इसमें चला पाएंगे, सबसे पहले ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल गया, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला आइकन, ठीक है, साइड में देख सकते हैं QR आइकन देखने को मिल गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। नीचे में आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है ऐड का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा ऐड एनी अकाउंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर ऐड करना है। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो दो नंबर यूज करते हैं अपने मोबाइल में, दोनों से ही आप यहाँ पर यानी कि लॉग इन कर लेंगे, और आप अलग अलग नंबर से इसमें व्हाट्सएप चला सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें नंबर डालकर और आपको वेरीफाई कर लेना है, और आपका यहाँ पर व्हाट्सएप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप दूसरा व्हाट्सएप यहाँ पर चला देंगे इसी तरीके से आप यहाँ पर व्हाट्सएप बना सकते हैं। आप यहाँ पर पहला व्हाट्सएप और दूसरा व्हाट्सएप, तो इस तरीके से आप इसमें व्हाट्सएप बना सकते हैं। इसी के साथ में आपको इस आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर व्हाट्सएप को चेंज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आप ये काम बहुत ही आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, और एक ही मोबाइल में एक ही एप्लीकेशन में, और आप दो व्हाट्सएप चला सकते हैं अलग अलग नंबरों से, ठीक है। तो ये तो थी, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।